दो हजार चार सौ साठ यहाँ अधिकतर उसकी माँ की गलती थी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा दबंग थी शुरुआत में उसके बड़े भाई ने अपनी माँ का पक्ष लिया इसलिए उसकी भाभी को दुख हुआ और वह तलाक भी लेना चाहती थी लेकिन अब उसके बड़े भाई ने स्मार्ट और शांत रहना सीख लिया वह उन्हें बहस करने देगा और इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा उनकी मां अब बूढ़ी हो गई थी और उनमें बार बार बहस करने की अधिक ऊर्जा नहीं थी इसलिए वे अंत सद्भाव से रह सके जूनियर श्रीमती काओ का छोटा भाई और छोटी भाभी सिटी बी में नहीं रहते थे इसलिए वे अपनी माँ के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहते थे इसलिए उनकी छोटी भाभी का उनकी माँ से कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था और उनके बीच कोई मनमुटाव भी नहीं था मुझे पता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता तांग यूनोग ने कहा फिर उसने आह भरी वह तब तक अपने कमरे में वापस नहीं गई जब तक कि शादी की कार्य उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई उन्हें तैयारी भी करनी थी क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद वे होटल जाएंगे जब उनकी गाड़ियां शादी वाले घर में पहुंची तो उन्होंने आतिशबाज़ी की फिर दूल्हा दुल्हन को अपनी पीठ पर बिठाकर घर में ले गया रास्ते में दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें अपने गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए लाल लिफाफ़े बांटने पड़े शादी वाले घर में नवविवाहित जोड़े को दूल्हे के माता पिता को चाय परोसनी पड़ी क्योंकि शिन बेई के माता पिता नहीं थे उसके चाचा और चाची उसके माता पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां बैठे थे इसलिए शिन बेई और काओ वेनक ने शिन बेई के चाचा और चाची को चाय परोसी क्योंकि शिन बेई के चाचा और चाची भी काओ परिवार के रिश्तेदार थे काओ वेनक उनसे परिचित थे उसने शिन बेई के साथ सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया बाद में उन्हें शिन बेई के चाचा और चाची से लाल लिफाफे मिले जिससे उनकी शादी का हिस्सा समाप्त हो गया इस समय सुबह के लगभग दस बज रहे थे इसलिए गांव वेनकसिन ने थोड़ी देर आराम किया फिर दूसरों के साथ होटल जाने से पहले एक कैजुअल सूट पहन लिया फिर खाना खाने के बाद नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी की तैयारी करने चला गया ठंडे मौसम और इस तथ्य के कारण कि गाँव वेनसिन गर्भवती थी उसने अभी भी वही मोटा पारंपरिक शादी का गाउन पहना था उनके दोस्त और रिश्तेदार आसपास घूम सकते हैं या दोपहर में शुरू होने वाले समारोह में उनकी मदद कर सकते हैं यह शाम छह बजे शुरू होगा लेकिन नवविवाहित जोड़े को लगभग चार बजे होटल के गेट पर अपने मेहमानों का स्वागत करना होगा काउ विनक गर्भवती थी लेकिन वह कमजोर नहीं थी इसलिए वह बाहर जाकर खड़ी रहती थी और अगर उसे थकान महसूस हो तो वह थोड़ी देर आराम कर सकती है उन्हें वास्तव में लेंग शाउटिंग और दूसरों की मदद की जरूरत नहीं थी लेकिन दूसरों को नहीं पता था कि वे और क्या कर सकते हैं इसलिए उन्होंने दूल्हा और दुल्हन के साथ होटल जाने का फैसला किया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति झाओ वेक्सियन जियो नानचेन झाओ लैंग और लू फैन थे शिन बे के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था वास्तव में शिन बे के सेना में अनगिनत करीबी साथी थे लेकिन उन्हें केवल चार सर्वश्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाया ए वेशुन और चेन मेंग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि वे उस भूमिका के लिए बहुत बूढ़े थे जहां तक जू जिनचेन और सी मिंग की बात है उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ आई थी इसलिए वे भी अच्छे आदमी नहीं थे झाओ वेक्सियन भी अपनी प्रेमिका के साथ शादी में शामिल होना चाहते थे दरअसल वह पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका प्रपोजल स्वीकार भी कर लिया था इसलिए अब उसे उसकी मंगेतर बनना चाहिए हालांकि उन्होंने अभी तक शादी की तारीख तय नहीं की है और मौसम गर्म होने के बाद ऐसा करेंगे झाओ वेक्सियन अपनी मंगेतर के साथ आना चाहता था लेकिन उसकी मंगेतर व्यस्त थी इसलिए वह अकेले आया इसलिए वह सर्वोत्तम व्यक्ति हो सकता है दूसरी ओर लेंग शाउटिंग सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था इसका उसके चरित्र से कुछ लेना देना था क्योंकि वह हमेशा ठंडा रहता था यह एक शादी थी और वे इसका जश्न मनाने आए थे इसलिए लोग मुस्कुराहट देखना चाहते थे लेकिन लेंग शाउटिंग शायद ही कभी मुस्कुराते थे इसलिए यदि मेहमानों ने उसका ठंडा चेहरा देखा तो वे सोच सकते थे कि वह दुखी था ऐसी अफवाहें भी हो सकती हैं कि उसकी लड़की को चुरा लिया गया है इतने अच्छे दिन पर कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो लेंग शाउटिंग जिनबेई का करीबी भाई था लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह एक अच्छा विकल्प नहीं था इसके अलावा लेंग शाउटिंग की प्रेमिका को भी आमंत्रित किया गया था इसके अलावा उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि शिन शिनबेई ने उनसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की होटल आने के बाद भी अभी जल्दी थी इसलिए उन्होंने पहले आराम किया काउ वेनक्सिन को अधिक मेकअप करने की जरूरत नहीं थी इसलिए उसे केवल इसे छूने अपने बाल बनाने और बाद में गाउन पहनने की जरूरत थी क्या आप अब भी घर आए हुए हैं काव्या ने काउ वेनक से पूछा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा काउ वेंकसिन ने कहा यह सोचकर कि मंच के नीचे से कई मेहमान उन्हें देख रहे होंगे उसके लिए घबराहट महसूस न करना कठिन था आखिरकार काउ परिवार कई उद्योगों में व्यवसायों वाला एक प्रमुख परिवार था उनके बहुत सारे संपर्क थे इसलिए मेहमान भी बड़ी संख्या में आते थे आराम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ इससे पहले कि काव्या कुछ कहें शिन बेई ने काउ वेनक को सांत्वना दी दरअसल वह भी काफी घबराए हुए थे लेकिन उन्होंने खुद को अच्छे से संभाला जरूर काउ व्यन्कसिन्ह ने कहा और बेहतर महसूस किया दोपहर तीन बजे काउ व्यनक ने अपनी शैली और कपड़े बदलना शुरू कर दिया इसलिए जब तक सब कुछ किया गया लगभग चार बजे थे हालांकि उन्हें अब मेहमानों का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए लेकिन उनकी औपचारिक शादी में अभी भी दो घंटे बाकी थे इसलिए अभी तक बहुत सारे मेहमान नहीं थे अधिकांश मेहमान शाम पांच बजे तक नहीं आए थे इसलिए काउं वेनकसिन उनका स्वागत करने के लिए बाहर चले गए काव्या और बाकी लोग लाउंज में रुके थे वे बाहर नहीं गए क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे बहुत से लोग जिनबेई की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे लेकिन उनकी शादी की एक तस्वीर में उन्होंने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी इसलिए लोगों को एहसास हुआ कि वह लेफ्टिनेंट कर्नल थे यह चौंकाने वाली खबर थी यदि वह लेफ्टिनेंट कर्नल था तो वह काउ वेनकसिन के पिता से केवल एक रैंक नीचे था वह बहुत छोटा था और उसका भविष्य उज्जवल था जिन मेहमानों ने तस्वीर देखी उन्होंने तुरंत यह खबर अन्य लोगों के साथ साझा की और यह जल्द ही विदेशों में फैल गई अधिक से अधिक मेहमानों ने सुना कि दूल्हा एक युवा लेफ्टिनेंट कर्नल था आज शादी में आने से पहले उन्हें दूल्हे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन वह साधारण नहीं हो सका क्योंकि वह गांव वेनक से शादी करने में सक्षम था हालांकि उन्होंने सोचा कि दूल्हे का जन्म किसी प्रभावशाली परिवार में हुआ होगा अब सभी की राय में दूल्हा दिखने में अच्छा था और उसमें बहुत खूबियाँ थी दरअसल यह केवल दूल्हा ही नहीं था प्रभावशाली सर्वश्रेष्ठ पुरुषों ने महिला मेहमानों का भी बहुत ध्यान आकर्षित किया उनमें से कुछ अपना वीचैट अकाउंट मांगने के लिए भी आगे बढ़े लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया शिन शिंगबेई के साथियों को वैचार्ट पर अजनबियों को अपने दोस्तों के रूप में जोड़ना पसंद नहीं था वैचार पर उनके केवल परिचित लोग थे कुछ महिलाएं तब नाराज़ हो गई जब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और यहां तक कि उन्होंने गुप्त रूप से सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की कसम भी खाई उन्हें लगता था कि श्रेष्ठ लोग बहुत अहंकारी होते हैं वास्तव में यदि वे पुरुष इतने सुंदर नहीं होते तो उन्होंने उनका वैचाट खाता मांगने की कोशिश नहीं की होती वैसे भी उन्होंने अपमान मांगा था और वे केवल आत्मकेंद्रित और स्वार्थी थे सौभाग्य से उनमें से कुछ ही थे अधिकांश महिलाओं को तब थोड़ी निराशा हुई जब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया वे बस उन सुंदर पुरुषों से दोस्ती करना चाहते थे और इससे उनका कोई मतलब नहीं था हालांकि यदि यह संभव होता तो वे एक साथ घूम सकते थे आखिरकार पुरुषों और महिलाओं को करीब आने में समय लगा यदि वे संबंध बनाना चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी आजकल महिलाएं भी पुरुषों से बातचीत करना सीख गई हैं इसलिए जब तक वे किसी को पसंद करते हैं वे अवसर नहीं चुकते चूंकि ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की ऐसे पुरुष भी थे जिन्होंने दुल्हन की सहेलियों के साथ भी ऐसा ही किया जो बहुत सुंदर भी थी कई पुरुष टोंग टोंग्जियाओं को पहचानते थे क्योंकि वह एक खूबसूरत और मजबूत महिला थी जिसकी उच्च समाज में बहुत प्रसिद्धि थी हालांकि टॉम परिवार अति अमीर नहीं था फिर भी वह प्रभावशाली था और वास्तव में शहर बी में बहुत सारे अति अमीर परिवार नहीं थे शहर के सभी अमीर परिवारों में से केवल कुछ दर्जन अति अमीर परिवार ही होंगे इसलिए एक सामान्य अमीर परिवार का सिटी बी में पहले से ही पर्याप्त प्रभाव था इसलिए जियाओ कई अमीर उत्तराधिकारियों का लक्ष्य था लेकिन उसे प्रभावित करना आसान नहीं था वास्तव में यह बातचीत शुरू करने का अच्छा समय नहीं था क्योंकि वे केवल अभिवादन का आदान प्रदान कर सकते थे और थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सकते थे टोंग टोंगजियाओं थोड़ी ठंडी थी लेकिन वह बहुत परिष्कृत थी इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ बात करने आता था वह हमेशा अच्छी और विनम्र दिखती थी यदि यह कोई अपरिचित व्यक्ति होता तो वह उससे दूरी बनाए रखती केवल तभी जब वह जाने पहचाने चेहरों को देखती थी तभी वह ईमानदार होती थी गाओ चेंगयुन और जियांग जेजिंग काव्या और अन्य लड़कियों के साथ लाउंज में नहीं रुके इसके बजाय वे दूल्हे दुल्हन दुल्हन की सहेलियों और सबसे अच्छे लोगों के साथ बाहर खड़े थे आखिरकार उनकी लड़कियां आज दुल्हन की सहेलियां थी और उन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए जब गाओ चंगयुन ने देखा कि टोंग जियाओं पुरुषों के बीच इतना लोकप्रिय है तो वह थोड़ा नाराज हुआ ठीक है ऐसा लगता है कि जियाओ जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक लोकप्रिय है जियांग जेजिंग ने गाओ चेंगयुन के साथ मजाक किया हाँ गाँव चंगयुन ने शांति से कहा जैसे कि वह इससे नाखुश नहीं था तुम अब भी क्यों झिझक रहे हो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह चोरी हो जाएगी जियांग जेजिंग ने पूछा यहाँ तक कि वह गाँव चेंगयुन के लिए चिंतित महसूस कर रहा था वह समझते थे कि गाँव चंगयुन को इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए लेकिन कभी कभी अगर लोग रोमांटिक रिश्ते में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यह ठंडा होता है अगर वह चोरी हो गई है तो इसका मतलब है कि वह मेरी नहीं है गांव चेंगयुन ने कहा कोई भी मुझसे मेरी लड़की नहीं चुरा सकता लेकिन वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था रोमांटिक रिश्ते के बारे में इतना तर्कसंगत मत सोचो आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है आखिरकार पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को जानने में समय लगता है यदि आप उसके साथ अधिक समय नहीं बिताते हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं आपको सावधानी पूर्वक अपने प्यार को विकसित करने की आवश्यकता है यदि आप ऐसा नहीं करते कुछ भी हो आपको अपना प्यार नहीं मिलेगा जियांग जेजिंग ने कहा यह सुनकर गाँव चंगियन सहमत हो गए दरअसल वह हाल ही में इसके बारे में सोच रहे थे क्या उसे टोंग जियाओं के प्रति अपने स्नेह को कबूल करना चाहिए हालांकि उसे डर था कि टोंग जियाओं उसे अस्वीकार कर देगा इसलिए वह कार्रवाई करने से झिझका जियांग जेजिंग ने जारी रखा शायद वह आपके पहला कदम उठाने का इंतजार कर रही है यदि आप अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसे संदेह हो सकता है कि क्या आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं इसका आपके रिश्ते पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा यह सुनकर गांव चेंगयुन घबरा गया ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में अपना मन बना लेना चाहिए और अब टोम्जियाओं के प्रति अपने स्नेह को कबूल करना चाहिए अन्यथा अगर नुकसान हो चुका होता तो बहुत देर हो चुकी होती यह सच था कि टोंग टोमजियाओं गाओ चेंगयुन के पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहा था अगर गाओ चेंगयुन अभी भी झिझकता तो वह ऐसा कर सकती थी आज के समाज में महिलाएं भी पहल कर सकती हैं हालांकि जब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तब भी वह चाहती थी कि वह पहले उसके प्रति अपने स्नेह को कबूल करे उसे विश्वास था कि उसने उसे स्पष्ट संकेत दिए थे यदि वह उसके साथ रहना चाहता है तो उसे रहना चाहिए उसे बताओ यदि वह ऐसा नहीं करता तो शायद वह उसे बहुत पसंद नहीं करता वह पहला कदम कब उठाएगी यदि जिस पुरुष को वह पसंद करती थी वह नहीं जानता था कि वह उसे पसंद करती है और उसे यकीन था कि वह उस पर अच्छा प्रभाव डालता है तो वह उसके प्रति अपने स्नेह को कबूल कर लेगी उदाहरण के लिए जब वह लेंग शाउटिंग से मिली तो उसे प्यार नहीं हुआ लेकिन वह उसकी उत्कृष्ट हवा और उपस्थिति के कारण उसकी ओर आकर्षित हुई हालांकि इससे पहले कि वह उसके बारे में और अधिक जानती उनके बीच कोई प्यार नहीं था इसलिए गांव चेंगयुन को इतने लंबे समय से जानने के बाद उसे संदेह होने लगा था कि क्या वह उसे पसंद करता है और क्या वह उसके साथ रहना चाहता है यदि नहीं तो वह सचमुच निराश और दुखी होगी आखिरकार उसके लिए किसी को पसंद करना आसान नहीं था लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे उस तरह पसंद नहीं करता था वैसे भी वह उसे उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी वास्तव में जियाओ ने एक निर्णय लिया था गांव वेनक्सन की शादी के बाद वह गांव चेंगयुन को बाहर जाने के लिए कहेगी और उससे बात करेगी यदि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें अब इतना करीब नहीं रहना चाहिए यह पूरी तरह से समय की बर्बादी थी वास्तव में जियांग जेजिंग के शब्दों को सुनने के बाद गांव चंगयुन के मन में भी यही विचार आया उन्होंने गांव विनक्सिन की शादी के बाद तोंग जियाओं के प्रति अपने स्नेह को कबूल करने का फैसला किया यह केवल दुल्हन की सहेलिया और सबसे अच्छे आदमी ही नहीं थे उनके बगल में खड़े गांव चंगयुन और जियांग जेजिंग भी बहुत लोकप्रिय थे आखिर उन दोनों का रुतबा ऊंचा था और वे दिखने में भी अच्छे थे उन्होंने उन्हें बेरुखी से अस्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने किसी भी महिला को अपना नंबर देने से इनकार कर दिया हर मेहमान शादी का लुत्फ उठाने नहीं आया उनमें से अधिकांश के अन्य उद्देश्य थे आमंत्रित अतिथियों में कई शक्तिशाली और धनवान लोग थे और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता था तदनुसार जो लोग बाहर के महत्वपूर्ण लोगों का नंबर पाने में असफल रहे वे हॉल में चले गए हॉल अच्छे पुरुषों और महिलाओं से भरा था इसलिए उनके पास कई विकल्प थे शाम करीब पांच बजे जियांग परिवार आया इसके सभी सदस्य उपस्थित थे जियांग मिनहोंग और जियांग जियामिन ने काउ वेनक्सिन के लिए अलग से एक उपहार तैयार किया था क्योंकि वे एक ही उम्र के थे और काओ वेंगसिन के साथ उनके अच्छे संबंध थे उन्होंने उसे अपनी ओर से एक उपहार भेजा यदि वे करीबी नहीं होते तो वे अपने वरिष्ठों को ऐसा करने दे सकते थे उदाहरण के लिए जियांग यूटोंग का काओ वेनक्सिन के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं था और वे शायद ही कभी मिलते थे इसलिए उसने काओ वेनक्सिन को अपनी ओर से उपहार भेजने की जहमत नहीं उठाई यह बहुत सामान्य था एक बार जब जियांग यूटोंग आई तो वह सीधे तांग जियांग से मिलने गई हालांकि उसने शादी के हॉल में तांग जियांग को नहीं देखा फिर उसने जियांग जियांगहुआ को देखा और उससे पूछने गई चाची लिहुआ चचेरा भाई जियायांग कहा है जियांग युटोंग ने पूछा जियांग ले के प्रति उनका रवैया बहुत अच्छा था क्योंकि जियांग जियांगहुआ उनकी चाची और तांग जियांग की मां थी हालांकि जियांग युटोंग को देखकर जियांग लिहुआ अप्रसन्न लग रहा था दरअसल जब से उसे पता चला कि जियांग युटोंग को तांग जियांग से प्यार हो गया है वह उसे नापसंद करने लगी पता नहीं मैं अभी आया जियांग लिहुआ ने सपाट स्वर में उत्तर दिया भले ही वह अब जियांग यूटोंग को नापसंद करती थी लेकिन उसने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई अच्छा जियांग यूटोंग ने यह नहीं सोचा था कि जियांग लिहुआ ने उसे यह बताने से इनकार कर दिया था कि तांग जियायांग कहाँ है उसे बस थोड़ी निराशा हुई उसके बाद जियांग यूटोंग ने तांग जियायांग की खोज जारी रखी जियांग यूटोंग को पीछे देखते हुए जियांग लिहुआ ने इस्तीफा देकर अपना सिर हिलाया इस युवा लड़की को अपने ही चचेरे भाई से कैसे प्यार हो गया करीबी रिश्तेदारों की अब शादी नहीं हो सकी भले ही यह स्वीकार्य हो जियांग लिहुआ सहमत नहीं होंगे उसने जियांग यूटोंग के माता पिता को उसे इसके बारे में शिक्षित करने के लिए कहने का फ़ैसला किया अब तक तांग परिवार के सदस्यों में से केवल तांग हैफेंग और तांग यूनफान ही अनुपस्थित थे क्योंकि गु मन की अभी अभी डिलीवरी हुई थी वह शादी में शामिल नहीं हो सकी इसलिए तांग यूनफान थोड़ी देर में आएगा लेकिन वह अपना उपहार देने के बाद घर वापस चला जाएगा वह गु मन को अकेले नहीं छोड़ सकता था घर भले ही गोमन ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण था कि उनकी भतीजी की शादी हो गई लेकिन उनकी पत्नी का अभी अभी प्रसव हुआ है इसलिए वह काओ वेनक्सिन को शुभकामनाएं भेजने के लिए आए लेकिन वह समारोह और रात्रि भोज के लिए नहीं रुके वास्तव में भले ही वह नहीं आया काओ परिवार उसे दोष नहीं देगा वे समझ गए कि वह एक विशेष स्थिति में है अपराध लगभग एक दर्जन मिनट बाद तांग हाईफेंग और तांग यूनफान पहुंचे टैंग हैफेंग मास्टर काओ और अन्य वरिष्ठों के साथ बातचीत करने गए जबकि टैंक युनफान अपना उपहार पेश करने और बधाई भेजने के बाद चले गए युनफान बहुत उदार था और उसने काओ वेनक्सिन को जो उपहार भेजा था वह शहर के केंद्र में दो वर्ग मीटर का एक स्टोर था ताम युनहान ने काओ वेनक्सिन को एक स्टोर भी भेजा हालांकि यह तांग युनफान जितना बड़ा नहीं था लेकिन यह बहुत छोटा भी नहीं था और टैंग हैफेंग ने काओ वेनक्सिन को एक बड़ा घर भेजा आज के समाज में घर सबसे मूल्यवान और संभावित संपत्ति थी काउ व्यंगसिन के दहेज में एक घर और एक दुकान भी थी दहेज के साथ उसे काम करने की जरूरत नहीं थी और वह अभी भी केवल किराया प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जी सकती थी दरअसल शिनबेई काउ व्यनकसिन को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकती थी भले ही उसके पास कोई संपत्ति न हो क्योंकि शिनबेई अमीर थी हालांकि गांव परिवार उसकी संपत्ति से अनजान था वे शिनबेई की नौकरी के बारे में बहुत कम जानते थे वे केवल इतना जानते थे कि वह एक विशेष बल लेफ़्टिनेंट कर्नल था और विशेष कार्य करता था हालांकि किसी कार्य को पूरा करने के बाद उन्हें बोनस मिलता था इसलिए उनके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी शिनबेई ने ईमानदारी से उन्हें बताया था कि उन्हें अक्सर कम से कम एक लाख युआन का बोनस मिल सकता है हालांकि क्योंकि रेड फ्लेम एक बहुत ही विशेष टीम थी वह उन्हें अधिक विवरण नहीं बता सका उन्होंने कई खतरनाक कार्य किए थे और उनके बहुत सारे दुश्मन थे इसलिए उनका जीवन ख़तरे में था परिणामस्वरूप जब भी वे कोई कार्य करते थे तो अपनी पहचान की रक्षा के लिए वे अपना भेष बदल लेते थे उस स्थिति में अपने परिवार सहित जितने कम लोग अपनी नौकरी के बारे में जानेंगे वे उतने ही सुरक्षित रहेंगे वैसे भी काँव परिवार और तांग परिवार ने कांव वेनक्सिन को कई संपत्तियां दी इसलिए नहीं कि उन्हें डर था कि शिन बेई काउ वेनक्सिन को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते बल्कि इसलिए कि वे परिवार थे काउ व्यन्कसिन तांग परिवार की सदस्य थी इसलिए उसे अपनी शादी में महंगे उपहार मिलेंगे शाम करीब साढ़े पांच बजे काव्या और बाकी लोग बाहर चले गए दुर्भाग्य से हॉल में पहुंचने के ठीक बाद जियांग यूटोंग ने उन्हें देखा हालांकि उसने आगे चलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे खासकर जब से लेंग शाउटिंग भी वहां थी हालांकि यह पहली बार था कि उसने वास्तविक जीवन में लेंग शाउटिंग को देखा था उसने पहले भी इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें देखी थी आखिरकार वह इतना सुंदर था कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था सबसे खास बात तो ये थी कि वो काव्या का मंगेतर था काव्या का एक अत्यंत सुंदर मंगेतर था जो एक शक्तिशाली प्रभुत्वशाली परिवार में पैदा हुआ था जिससे जियांग युतों को ईर्ष्या होने लगी लेंग शाउटिंग राजधानी में लेंग परिवार के उत्तराधिकारी थे और वह सेना में सबसे कम उम्र के प्रमुख जनरल भी थे जियांग युतों को समझ नहीं आया कि काव्या इतनी भाग्यशाली क्यों हो सकती है वह तांग परिवार की पोती बन गई उसका करियर बेहद सफल रहा और यहां तक कि वह राजधानी में लेंग परिवार की भावी पोती भी बन गई काव्या की तुलना में वह महज कुछ नहीं थी हालांकि जियांग युटोंग को काव्या पसंद नहीं थी उसने अनगिनत बार चाहा कि वह काव्या होती अगर वह काव्या होती तो वह हर उस चीज की मालिक हो सकती थी जो काव्या के पास अभी थी दुर्भाग्य से यह सिर्फ उसका सपना था लिंग शाउटिंग के कारण जियांग युटोंग आगे बढ़ने में झिझक रहे थे वह उसके ऊंचे रुतबे से नहीं डरती थी बल्कि उसकी अकड़ से डरती थी वह काव्या से नहीं डरती थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि काव्या ने काव वेंगसिन की शादी में उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी लेंग शाउटिंग के लिए उसके साथ कुछ भी करना असंभव था क्योंकि उसने उसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया था लेकिन उसके पास उसके पास जाने का साहस नहीं था इसलिए जियांग यूटोंग केवल वहां खड़ा रह सकता था और तांग तांगजियांग को दयनीय दृष्टि से देख सकता था तांग तांगजियांग ने जियांग यूटोंग को देखा लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई हालांकि तांग जियाकाई ने कुछ देर तक जियांग यूटोंग को देखा वह समझ गया कि वह वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि वहां उनका एक बड़ा समूह था यह अच्छी बात रही आखिरकार यह कष्टप्रद था जब जियांग यूटोंग उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था जब जियांग जियामिन और जियांग मिनोंग ने काव्या और अन्य लोगों को देखा तो वे तुरंत आगे बढ़ गए हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग थे और उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई लेकिन उन्हें हॉल में बहुत से परिचित चेहरे नहीं दिखे तो अगर वे काव्या से बात करने नहीं जाते तो वे बोर हो जाते अपरिचित लोगों से बात करना उनके लिए उबाऊ था हाय जियांग जियाकाई काव्या और आप सभी आपको देखकर अच्छा लगा जियांग जियामिन और जियांग मिनहोंग उन्हें देखकर मुस्कुराए काव्या ने उनका स्वागत किया एक बार जियांग योटोंग ने जियांग जियामिन और जियांग मिनहोंग को आते देखा वह उनके पीछे होली हाय जियांग जियाकाई जियामिन मिनहोंग मिस काव्या जियांग युटोंग के आने के बाद उसने उनका इस तरह से स्वागत किया जैसे कि वे बहुत करीब हों वह जानती थी कि उसे अच्छा होना चाहिए अन्यथा वे उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और वह तांग जियांग से बात नहीं कर पाएगी उसके दयालु रवैये को देखते हुए वे उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करेंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनकी गलती होगी दुर्भाग्य से किसी को भी उसके रवैये की परवाह नहीं थी क्योंकि वह पहले ही उन पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ चुकी थी इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था इससे भी बुरी बात यह थी कि तांग जियाकाई ने स्पष्ट तिरस्कार दिखाया और गुस्से से उससे पूछा तुम यहां क्या कर रही हो यह सुनकर जियांग युटोम क्रोधित हो गई लेकिन उसने व्यथित होने का अभिनय किया मैं अपने आप से ऊब गया हूँ इसलिए कुछ समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं हम जब भी मिलते हैं तो बहस ही करते हैं क्या आप फिर से बहस करना चाहते हैं जियांग जियामिन ने तुरंत जवाब दिया इसका काम जियांग से कोई लेना देना नहीं था जिसे उसने जियांग युतोंग के लिए चुना था उसकी और जियांग युतोंग की कभी नहीं बनी आप सार्वजनिक रूप से जियांग जियामिन से शर्मिंदा होकर जियांग युटोंग गुस्से में थी लेकिन उसने फिर भी अपने गुस्से पर काबू पा लिया मैंने जियांग को काफी समय से नहीं देखा है अब वह घर पर है मैं बस उससे कुछ देर बातचीत करना चाहता हूँ उसके साथ कुछ गलत है मैं आपसे परिचित नहीं हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। तांग जियांग ने स्पष्ट घृणा दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा आप इस बार यूटोंग रोने से खुद को नहीं रोक सकी वह उसके चेहरे पर ऐसा कैसे कह सकता था वे चचेरे भाई थे अगर दूसरे लोग उससे ऐसा कहते तो उसका दिल नहीं टूटता लेकिन अब तान जियांग भी उससे नफ़रत करने लगी एक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मिलकर जियांग यूटोंग को धमकाया लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे यह जियांग यूटोंग ही थी जिन्होंने स्वयं इसके लिए कहा था इसलिए लेंग शाउटिंग और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा उन्हें नहीं लगा कि यह गलत है इसके अलावा वे देख सकते थे कि जियांग यूटोंग एक ईमानदार लड़की नहीं थी वह कमजोर होने का नाटक कर रही थी उन्हें उस जैसी लड़कियों से कोई सहानुभूति नहीं थी आपको लगता है कि सुना जियांग आपसे परिचित नहीं है इसलिए आपको अभी जाना चाहिए तांग जियाकाई ने जियांग यूटोंग के दुर्भाग्य पर खुशी जताई वह सचमुच उसे देखना नहीं चाहता था आप जियांग यूटोंग को और भी अधिक दुख हुआ ठीक है चलो अब व्यंक को देखने चलते हैं काव्या ने कहा यह एक सार्वजनिक स्थान था और वे अच्छे कार्यक्रम का जश्न मनाने आए थे कोई भी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था इसके बाद वे काव्या के पीछे पीछे चले गए मैं आपके साथ चलूंगा जियांग पीछे छूटने के लिए अनिच्छुक थी इसलिए उसने तुरंत उन्हें पकड़ लिया हालांकि उन्होंने उसे शर्मिंदा किया था उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे उसका पीछा करेंगे तुम्हें ऐसा करने की अनुमति किसने दी काव्या ने उससे रुखाई से कहा आप जियांग युटोम गुस्से में था वे इतने घृणित कैसे हो सकते हैं और एक साथ मिलकर उसे धमका सकते हैं हमसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सबक सिखाऊंगा काव्या ने उसे धमकी दी भले ही वह गांव विनक की शादी में कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी लेकिन अगर वह नहीं गई तो उसे जियांग यूटोंग को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी वह इसे यथासंभव शांत बनाएगी एक इस समय जियांग यूटोंग डर गया था और उसने दोबारा उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की उसने नहीं सोचा था कि वे उसे घायल करने की हिम्मत करेंगे लेकिन वह जोखिम लेने को तैयार नहीं थी अगर काव्या ने सच में उसे पीता तो क्या होगा वह अकेली होगी जो घायल हुई होगी नाखुशी से भरी जियांग यूटोंग अपनी मां के पास भागी कनिष्ठ श्रीमती जियांग कई अन्य अमीर पत्नियों के साथ बातचीत कर रही थी जब उसने अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी को एक बार फिर तांग जियांग से उदासीन रुख अपनाना पड़ा होगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या कहे उसने जियांग ज्यांगयुतोंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश की थी क्योंकि उसे तांग जियांग के प्रति जियांग युतोंग का स्नेह पसंद नहीं था भले ही वे एक दूसरे को पसंद करते हों और साथ रहना चाहते हों तब भी उसे केवल शर्मिंदगी महसूस होती थी उसकी बेटी को अपने ही चचेरे भाई से प्यार कैसे हो सकता है सौभाग्य से केवल उसके परिवार को ही इसकी जानकारी थी यदि यह विदेश चली गई तो उसे बहुत अपमानित होना पड़ेगा यदि जियांग यूटोंग ने कुछ भी शर्मनाक किया तो जूनियर श्रीमती जियांग ने उसे खींच लिया और गंभीरता से चेतावनी दी यूटोंग अपना व्यवहार करो यदि आप कुछ भी शर्मनाक करेंगे तो न केवल हमारा परिवार बल्कि तांग परिवार भी अपमानित होगा यदि तांग परिवार अपमानित महसूस करता है तो हम अपना खो सकते हैं उनके साथ संबंध हमारा परिवार अमीर बने रहने के लिए टैंग परिवार पर बहुत अधिक निर्भर है सिर्फ इसलिए कि आपका दिल टूट गया है हमारे परिवार के हितों को नुकसान न पहुंचाए मैंने क्या गलत किया है ज्यांग अब बहुत दुखी थी और चाहती थी कि उसकी माँ उसे सांत्वना दे हालांकि उसकी माँ ने उसे अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी दी जिससे वह और भी अधिक दुहक से भर गई अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं सबसे अच्छा रहूंगा जियायांग को परेशान करना बंद करो क्या आप नहीं जानते कि आप केवल स्वयं को शर्मिंदा कर रहे हैं जूनियर श्रीमती जियांग ने कहा अब उसे जियांग लिहुआ के सामने दोषी महसूस हुआ यह सुनकर जियांग युतों को दुख हुआ वास्तव में वह जानती थी कि वह खुद को शर्मिंदा कर रही थी लेकिन वह तांग जियांग को देखने से खुद को रोक नहीं सकी एक ताम परिवार ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम रिश्तेदार हैं लेकिन अब मैं तुम्हारी चाची के सामने पहले से ही दोषी महसूस करता हूं यूटोंग परिपक्व बनो कनिष्ठ श्रीमती जियांग ने ईमानदारी से कहा यदि अन्य लोग इसके बारे में सुनेंगे तो आप एक मजाक बन जाएंगे एल जियांग यूटोंग ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है क्योंकि उसकी माँ के शब्दों ने उसे एहसास कराया कि यह कितना गंभीर था हालांकि उसके लिए ताम जियांग से प्यार करना बंद करना वाकई कठिन था अपने परिवार की खातिर उसे स्वयं व्यवहार करना होगा मुझे लगता है मैं बस घर चला जाऊंगा मैं अब यहाँ नहीं रह सकता इस पर विचार करने के बाद जियांग युटोंग ने घर जाने का फ़ैसला किया ठीक है अब घर जाओ मैं ड्राइवर को तुम्हें घर तक ले जाने के लिए कहूंगा जूनियर श्रीमती जियांग जियांग जियांगूटोंग से सहमत थी कम से कम कोई परेशानी तो नहीं होगी जरूर जियांग यूटोंग ने कहा फिर उसकी माँ उसे बाहर ले गई जब वे तांग यूनरोंग के पास से गुजरे तो जूनियर श्रीमती जियांग ने खुद को माफ़ कर दिया उसने कहा कि जियांग यूटोंग को सिरदर्द है और उसे घर जाने की जरूरत है यह सुनकर तांग यूनरोंग ने जियांग युतोंग के असहज चेहरे पर एक नज़र डाली उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद उसने उन्हें जाने दिया काव्या और अन्य लोग बाहर खड़े थे इसलिए उन्होंने जूनियर मिसेज जियांग को जियांग यूटोंग को दूर ले जाते देखा उन्होंने टांग यूनरोंग के साथ उनकी बातचीत भी सुनी वे जानते थे कि जियांग युटोंग ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे सिरदर्द था उसने बस उनसे बहस की इसलिए वह अब यहां नहीं रह सकी और वापस घर चली गई फिर भी यह उनके लिए अच्छी खबर थी आश्चर्यजनक वह अंततः चली गई तांग जियाकाई ने संतुष्टि के साथ कहा उसे जियान यूटोंग को देखने से नफरत थी अगर वे सार्वजनिक स्थान पर नहीं होते तो वह उसे गाली देता यह सोचकर कि जियांग यूटोंग को तांग जियांग से प्यार हो गया है उसे घृणा महसूस हुई यदि वह केवल तांग तामजियांग की प्रशंसा करती तो यह घृणित नहीं होता लेकिन वह उसे परेशान करना बंद नहीं करती जो अस्वीकार्य था वैसे भी वे इसे स्वीकार नहीं कर सके उसने क्या क्या है तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो जी बेंग ने उत्सुकता से पूछा वह हमेशा अभिनय करती रहती है और थोड़ी पागल भी अगर तुम उसके साथ हो जाओगे तो कभी भी तुम पर दोष मढा जा सकता है काव्या ने ने कहा भले ही जी बेंग ने उससे यह सवाल पूछा था लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकी कि जियांग युतों को तांग जियांग से प्यार हो गया था आखिरकार जितने कम लोग इसके बारे में जानते थे उतना ही अच्छा था इसके अलावा उनके आसपास बहुत सारे लोग थे अगर उसने इसे जोर से कहा तो अन्य लोग इसे सुनेंगे और तांग जंग को शर्मिंदा होना पड़ेगा तांग जियांग नहीं चाहते थे कि अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले हालांकि उसने कुछ नहीं किया और वह जियांग युटोंग को नापसंद करता था फिर भी अगर अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलता तो वह अपमानित महसूस करता इसलिए जब जी बेंग ने इसके बारे में पूछा तो वह चिंतित हो गया उसे चिंता थी कि कहीं उसके दोस्त सच उगल न दे उसे महसूस नहीं हुआ जब तक काव्या ने स्पष्टीकरण नहीं दिया तब तक राहत मिली जी बेंग ने सिर हिलाया और इसके बारे में पूछना बंद कर दिया काव्या और अन्य लोग केवल थोड़ी देर के लिए वहां रुके थे लेकिन कई मेहमान काव्या से बातचीत करने के लिए पहले ही आ चुके थे इसलिए नहीं कि काव्या तांग यूनफान की बेटी थी वह उनसे बहुत छोटी थी इसलिए उन्होंने पहले उसका स्वागत करने की जहमत नहीं उठाई वे काव्या से बातचीत करने गए क्योंकि वह शेंगनिंग संगठन की अध्यक्ष थी वह अब बिज़नेस की दुनिया में एक स्टार थी और उनमें से सबसे सफल उद्यमी थी इसलिए चाहे वे काव्या से ईर्षालु हो या ईर्षालु वे उसका सम्मान करते थे क्योंकि काव्या अपने कई दोस्तों के साथ थी इसलिए वो बिजनेसमैन उससे ज्यादा देर तक बातचीत नहीं करते थे उन्होंने बस उससे थोड़ी बातचीत की फिर अंदर चले गए अगर इस समय उन्होंने काव्या से लंबी बातचीत की होती तो वे भड़क जाते जो लोग तामजियांग और तामजियाई को जानते थे उन्होंने भी विनम्रता से उनका स्वागत किया जो लोग जानते थे कि लेंग शाउटिंग काव्या का मंगेतर था उसने मुस्कुराकर कहा लेकिन वे उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते थे इसकी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को थी तांग जियाकाई और तांग तांगजियांग ने भी कई लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे जो लोग उनसे बातचीत करने आए वे सभी परिचित चेहरे थे वे सभी उच्च समाज के थे इसलिए वे अजंग भी नहीं थे हालांकि वे केवल एक दूसरे से परिचित थे और इसका मतलब यह नहीं था कि वे करीब थे आखिरकार उच्च समाज के लोग लाभ के लिए एक साथ एकत्र हुए वे सभी दूसरे लोगों की मदद से सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहते थे इसलिए आमतौर पर उनके सर्कल में ईमानदार दोस्त नहीं होते थे यह बहुत सामान्य बात थी कि, कि कनेक्शन के माध्यम से उन्हें वह मिल गया जो वे चाहते थे जब तक कोई जानबूझकर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता वे घेरे में रहेंगे परिणाम स्वरूप चाहे वे परिचित हो या नहीं तांग जियाकाई और तांग जियांग ने उन्हें विनम्र उत्तर दिया यू जी भी आ जाए उसने काओ वेंगसिन को एक शानदार और नाजुक गाउन भेजा उन्होंने उस सामग्री के लिए भुगतान किया जिससे यह गाउन बना था और उनकी कंपनी के पैसे का उपयोग नहीं किया हालांकि काव्या को इसकी परवाह नहीं थी यूजी के अपने सिद्धांत थे इसके अलावा यूजी ने काउ वेनक्सिन के लिए यह उपहार बनाने में अपना काम का समय बर्बाद नहीं किया उसने इस पर तीन दिन और रातें बिताई और उसने इसे अपने घर पर पूरा किया काउ व्यन्क्सिन गर्भवती थी और अभी गाउन नहीं पहन सकती थी लेकिन उसने इसे हटा दिया था जब उसने बच्चे को जन्म दिया तब वह इसे पहन सकती थी वैसे भी गाउन वर्षों तक लोकप्रिय रहेगा यूजी द्वारा बनाए गए सभी गाउन बहुत सुंदर थे इसलिए काओ वेनक्सिन को उपहार पसंद आया क्योंकि यूजी फैशन उद्योग में एक नई स्टार बन गई थी उन्हें बीलिस्ट अभिनेत्री के रूप में उतनी ही प्रसिद्धि मिली थी और वह केवल डिज़ाइन उद्योग में ही नहीं जानी जाती थी इसलिए जब उन अमीर महिलाओं और पत्नियों ने यूजी को देखा तो वे सभी उसे देखकर मुस्कुरा दी यूजी द्वारा डिजाइन किया गया गाउन खरीदना अब आसान नहीं था और उन्हें कम से कम आधे साल तक इंतजार करना पड़ा दरअसल यूजी को आधे साल के दौरान केवल चार गाउन खुम करने की जरूरत थी गाउन को डिजाइन करना और बनाना बहुत समय लेने वाला और ऊर्जा खर्च करने वाला था इसके अलावा यूजी ने सारा काम खुद ही किया कस्टम निर्मित गाउन सभी अद्वितीय थे और चांद दूसरा पीस नहीं बना सकता था यदि कोई दूसरा टुकड़ा होता तो वह नकली होना चाहिए था चांद द्वारा निर्मित कुछ गाउन यूजी द्वारा भी डिजाइन किए गए थे लेकिन वे अद्वितीय नहीं थे हालांकि वे सीमित थे क्योंकि यदि उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई तो वे अपना मूल्य खो देंगे यूसी हमेशा काम खुद करती थी हालांकि उसके पास कई ग्राहक थे फिर भी वह सभी ऑर्डर एक साथ नहीं लेती थी उसने केवल वही ऑर्डर लिए जिन्हें वह आधे साल के भीतर पूरा कर सकती थी यदि उसने बहुत सारे ऑर्डर ले लिए और यदि वह उन सभी को पूरा नहीं कर पाई तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है प्रत्येक उद्योग में प्रतिस्पर्धा हमेशा कड़ी थी इसलिए यदि उसने कोई गलती की तो वह ग्राहकों को खो सकती थी जब से चांद की स्थापना हुई तब से इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा लेकिन इसके महाप्रबंधक ने सभी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से संभाला कई मेहमानों ने यूजी से उसका नंबर मांगा यूसी ने उन्हें यह दिया लेकिन अपना निजी नंबर नहीं उसने उन्हें अपने कार्यालय का नंबर दिया और उसका सचिव उन्हें जवाब देगा चूंकि यूजी बहुत व्यस्त थी और अब एक बॉस थी इसलिए उसे हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से निपटाने की जरूरत नहीं थी हाल ही में वह कस्टम मेड गाउन के ऑर्डर नहीं लेती थी इसलिए उसे संभावित ग्राहकों की कॉल का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनके सचिव और सहायक उन्हें उन्हें अस्वीकार करने में मदद करेंगे मेहमानों को इसकी परवाह नहीं थी कि उन्हें कौन सा नंबर मिला है वे बस यूजी से संपर्क करना चाहते थे उसके बाद जो जिनलिन आए वह अपने कई दोस्तों अर्थात एन यान जी वेन्बू और जी वेन्बू की प्रेमिका गाओ लेके साथ आया था हालांकि वे जो जिनलिन के अच्छे दोस्त थे उनका लेंग शाउटिंग और लेंग शाउटिंग के भाइयों के साथ भी घनिष्ठ संबंध था इसलिए वे अक्सर एक साथ घूमते थे इसलिए उन्हें शिनबेई की शादी में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया था बात सिर्फ इतनी थी कि वे बहुत दूर रहते थे इसलिए उन्हें यहां पहुंचने में अधिक समय लगा वैसे भी वे अपने दोस्त की शादी मिस नहीं करेंगे अफसोस की बात है कि वेन सी और झांग केके जो एन यान की पत्नी थी काम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सकी जो जिनलिन और अन्य लोगों के आने के बाद काव्या और अन्य लोगों ने उन्हें अपनी सीटें ढूंढने के लिए अंदर निर्देशित किया सीटों की व्यवस्था उनकी हैसियत के हिसाब से की गई थी लेकिन काव्या सबसे आगे बैठी क्योंकि वह दुल्हन के परिवार की सदस्य थी दूल्हे के दोस्त के तौर पर लेंग शाउटिंग और उनके साथी भी सबसे आगे बैठे फिर भी अधिकांश मेहमानों को दुल्हन के परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था क्योंकि शिंग एक अनाथ थी उनके ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे जब से शिंदबे के माता पिता का निधन हुआ उनके अधिकांश रिश्तेदार उनसे दूर रहने लगे उनके प्यारे चाचा चाची के अलावा कुछ ही रिश्तेदार उनके संपर्क में रहते थे इसलिए उन्होंने केवल उन्हें ही अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया उसके बहुत सारे दोस्त थे लेकिन उनमें से केवल आधे ही मौजूद थे आखिरकार उसके दोस्त बहुत व्यस्त थे और दुनिया भर में काम करते थे इसलिए वे सभी नहीं आ सके लेकिन कोई बात नहीं फिर भी उन्होंने उसे शादी का उपहार भेजा शिनबे ने अपनी शादी में शामिल होने के लिए केवल अपने करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया था उसने अपरिचित मित्रों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा क्योंकि उसे उनके उपहारों की आवश्यकता नहीं थी हॉल में चलने के बाद जू जिनलिन ने व्यवसाय में कई परिचित चेहरे देखे इसलिए वह उनसे बात करने गए फिर काव्या ने बाकी लोगों को उनकी सीटों तक पहुंचाया कई मेहमान भी काव्या से बातचीत करना चाहते थे लेकिन उसके आसपास बहुत सारे लोग थे इसलिए वे वहां नहीं गए आखिरकार केवल कुछ मेहमान ही काव्या को नमस्ते कहने आए दूसरी ओर क्योंकि जू जिनलिंग जिनलिंग संगठन के महाप्रबंधक और उत्तराधिकारी थे वे बेहद लोकप्रिय थे वह विशेष रूप से उन महिलाओं के बीच लोकप्रिय थे जो अमीर परिवारों में पैदा हुई थी हालांकि वे लड़कियां भी अमीर थी लेकिन उनके परिवार की तुलना जिनलिन संगठन से नहीं की जा सकती थी तदनुसार उनका एक ही उद्देश्य था जू जिनलिन के साथ संबंध स्थापित करना यदि वे जू जिनलिन का दिल जीत सकें और जू परिवार में शादी कर सकें तो यह सामाजिक सीढ़ी पर एक बड़ा कदम होगा कुछ व्यवसायियों ने अपनी बेटियों का परिचय सीधे जू जिनलिन से कराया लेकिन यह उनकी पहली मुलाकात थी इसलिए उन्हें अपना इरादा छिपाना पड़ा हालांकि जू जिनलिन आसानी से देख सकते थे कि उनका लक्ष्य क्या हासिल करना है क्योंकि यह उनके जीवन में अनगिनत बार हुआ था जब जू जिनलिन आखिरकार अकेली थी तो लगभग बीस वर्ष की एक सुंदर लंबी और सेक्सी महिला उसकी ओर चली हाय मैनेजर जू आपको देखकर अच्छा लगा मेरा नाम हान सीतोंग है मेरा परिवार सिटी बी में हान परिवार है मैं अभी एक मनोरंजन कंपनी का प्रबंधन कर रहा हूँ हम पहले भी एक धर्मार्थ गतिविधि में मिल चुके हैं हमारे पास भी था एक संक्षिप्त बातचीत क्या आप अभी मुझे याद है हान परिवार एक अमीर परिवार था जिसका सिटी बी में कुछ प्रभाव था इसके अलावा हान सीटॉन अभी अपने दम पर एक मनोरंजन कंपनी का प्रबंधन कर रही थी तो जाहिर तौर पर उसके पास क्षमता थी इसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास का माहौल था हालांकि जू जिनलिन के साथ तुलना करने पर वह शायद ही प्रभावशाली थी लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसकी तुलना में थे कम से कम सिटी बी के उच्च समाज में वह बहुत उत्कृष्ट थी वास्तव में वह जियाओ से भी बेहतर थी जियाओ का परिवार उनसे अधिक अमीर नहीं था और उन्होंने अपने दम पर एक कंपनी बनाई जबकि जियाओ ने सीधे पारिवारिक व्यवसाय संभाला हालांकि जहां तक उनकी शक्ल सूरत का सवाल है उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि टोंग जियाओ उससे अधिक सुंदर थी वैसे भी उसने टोम जियाओं के सामने कोई आत्मविश्वास नहीं खोया वह टोम जियाओ से थोड़ी ही कम सुंदर थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुंदर नहीं थी हाय मिस हान जो जिनलिन ने विनम्रता से कहा लेकिन आत्मीयता से नहीं उन्होंने हान सीतों को इसलिए याद नहीं किया क्योंकि वह प्रभावशाली थी बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी याददाश्त अच्छी थी इसके अलावा धर्मार्थ गतिविधि तीन महीने पहले आयोजित की गई थी यदि वह इसे याद नहीं रख सका तो उसे अपनी अच्छी याददाश्त पर गर्व नहीं करना चाहिए हालांकि हान सीतोंग ने यह नहीं सोचा कि जू जिनलिन अभी भी उसे याद करता है क्योंकि उसकी याददाश्त अच्छी थी उसका मानना था कि उसके आकर्षण ने उसे प्रभावित किया है इसलिए हान सीतोंग को बहुत संतुष्टि महसूस हुई लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया वास्तव में मुझे उम्मीद थी कि हम अपनी पिछली बैठक में संख्याओं का आदान प्रदान कर सकते हैं आखिरकार हम एक दिन भागीदार बन सकते हैं लेकिन आप उस दिन बहुत जल्दी चले गए मुझे ऐसा कहने का मौका नहीं मिला यह सचमुच शर्म की बात है हान सीतों की सहायता करें उम्मा यदि आप सहयोग चाहते हैं तो आप पहले मेरे सचिव से संपर्क कर सकते हैं वह मुझे बाद में बताएगा जू जिनलिन ने कहा फिर उसने अपने सचिव के लिए एक नाम कार्ड निकाला और उसे हान सीतों को सौंप दिया कृपया वह स्पष्ट रूप से जानता था कि हान सीतों वास्तव में क्या चाहता है लेकिन वह उसे अपना नंबर नहीं देना चाहता था दरअसल अगर वह कोई पुरुष होता तो उसे नंबरों के आदान प्रदान से कोई परेशानी नहीं होती लेकिन जब भी वह महत्ववहीन लोगों से मिलता तो वह हमेशा उन्हें अपने सचिव का नंबर देता तुरंत हान सीटोंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया जू जिनलिन ने जानबूझ ऐसा किया होगा उसने ऐसा क्यों किया क्या वह उनकी राय में पर्याप्त प्रभावशाली नहीं थी हालांकि हान सीतोंग भ्रमित था लेकिन यह सवाल पूछना बहुत शर्मनाक था और उसे नाम कार्ड लेना होगा अन्यथा जू जिनलिन नाखुश होगी इसलिए हान सितोंग ने जू जिनलिन द्वारा उसे दिया गया नाम कार्ड ले लिया फिर एक सहज मुस्कान बिखेरी धन्यवाद उसके बाद उसने जू जिनलिन को अपना नाम कार्ड दिया प्रबंधक जू यह मेरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जू जिनलिन का रवैया कैसा था क्योंकि उसने उसे एक नाम कार्ड सौंपा था उसे उसे अपना देना चाहिए अन्यथा यह शर्मनाक होगा उसकी हैसियत को देखते हुए यह असंभव था कि वह उसे शर्मिंदा कर देती जू जिनलिन ने हान सीतोंग का नाम काढ़ लिया वह इसे अपने पास नहीं रखेगा और बाद में अपने सचिव को दे देगा हान सीतोंग का उद्देश्य जो भी हो वे एक ही दायरे में थे इसलिए विनम्र रहना आवश्यक था उनके बगल में एक व्यापारी ने हान सितोंग को देखा इसलिए उसने जानबूझकर कर जू जिनलिन से पूछा प्रबंधक जू मैंने सुना है कि आपकी सगाई कुछ समय से हो रही है आपकी शादी कब है क्या मुझे आमंत्रित किया जा सकता है उसने हान सितोंग को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कहा क्योंकि वह उसे नापसंद करता था हालांकि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था उसने उसके भतीजे को अपमानित किया था इसलिए उसकी उससे नहीं बनती थी उसके भतीजे ने पहले हान सीतोंग का पीछा किया था लेकिन हान सीतोम ने अपने भतीजे को अस्वीकार कर दिया और यहां तक कहा कि उसका भतीजा एक बदसूरत मेंढक था जो उसके लायक नहीं था जो एक सुंदर हंस था उनके भतीजे का परिवार हान सीतोंग के परिवार से तुलनीय नहीं था लेकिन उनका भतीजा एक बहुत ही उत्कृष्ट युवा व्यक्ति था मुद्दा यह था कि उसने अपने भतीजे को अस्वीकार करने के बाद उसे अपमानित किया जो वास्तव में निर्दयी था उसकी बातें सुनकर हान सीतोम आश्चर्यचकित रह गया जू जिनलिन की सगाई पहले ही हो चुकी थी आश्चर्यचकित होने के बाद वह बहुत निराश हो गई यदि उसकी पहले ही सगाई हो चुकी होती तो उसके पास कोई मौका नहीं होता मुझे लगता है इस गर्मी में हमने अभी तक सटीक तारीख तय नहीं की है इसके निपटारे के बाद आपको निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा चेयरमैन कै जू जिनलिन ने कहा यह तो बहुत ही अच्छी बात है चेयरमैन कहसे ठीक है मुझे लगता है कि शादी शुरू होने वाली है मुझे अब अपनी सीट पर वापस जाने की जरूरत है जू जिनलिन ने कहा जरूर कृपया चेयरमैन कहने कहा फिर जू जिनलिन मुड़े और चले गए एक बार जब वह चला गया हान सीटोंग मिश्रित भावनाओं से भर गया हालांकि जू जिनलिन के साथ यह उसकी दूसरी मुलाकात थी लेकिन उसके मन में जू जिनलिन के बारे में बहुत अच्छी धारणा बनी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इतने आदर्श पुरुष थे कि वह हर महिला के लिए मिस्टर राइट थे दुर्भाग्य से उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी मिस हान मुझे यकीन है कि आप मैनेजर जू को बहुत पसंद करती हैं लेकिन उनकी सगाई हो चुकी है चेयरमैन कैने अर्थपूर्ण ढंग से कहा फिर बिना देर किए चले गए हान सिटोंग को यह नहीं पता था कि चेयरमैन के उस प्रशंसक के चाचा थे जिसे उसने पहले अपमानित किया था इसलिए वह देख सकती थी कि उसने जानबूझकर ऐसा किया लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों हालांकि उसने इसका पता लगाने की जहमत नहीं उठाई जिनलिन तुम बहुत लोकप्रिय हो आप जहां भी जाते हैं वहां आपके प्रशंसक होते हैं जू जिनलिन के अपनी सीट पर आने के बाद एन यान ने उनके साथ मजाक किया जू जिनलिन ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंखें एन यान पर घुमाई क्या एन यान को नहीं पता था कि वह इतना लोकप्रिय क्यों था वह जिनलिन संगठन के महाप्रबंधक और उत्तराधिकारी है अगर वह एक साधारण आदमी है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास अभी भी इतने सारे प्रशंसक होंगे जी वेन्बू ने कहा यह बहुत यथार्थवादी था कि महिलाएं केवल जू जिनलिन की पृष्ठभूमि से आकर्षित थी आप ठीक कह रहे हैं आजकल हर कोई बहुत यथार्थवादी है एन यान ने कहा जब शाम के लगभग छह बज रहे थे दूल्हा और दुल्हन अंदर आए और समारोह के लिए तैयार होने चले गए शादी से दस मिनट पहले एमसी मेजबान लाइटिंग साउंड साउंड सुपरवाइजर आदि सभी मौजूद थे शादी से चार मिनट पहले दूल्हा मंच पर इंतजार कर रहा था जबकि दुल्हन शादी के हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी शादी से दो मिनट पहले विवाह गीत बजाया गया और अगले ही पल दूल्हा दुल्हन बाहर चले गए दूल्हा स्टेज से आ गया जबकि दुल्हन अपने पिता का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर चल दी इस समय काव रुई हुआ एक मजबूत सख्त आदमी को अचानक रोने का मन हुआ हालांकि वह जानता था कि उसकी बेटी शादी के बाद भी उनके साथ रहेगी फिर भी उसकी बेटी की शादी दूसरे आदमी से कर दी गई उसे लगा कि उसकी प्यारी बेटी अब किसी और आदमी की हो गई है इसलिए उसके लिए ऐसा न करना कठिन था दुख होता है मंच के नीचे बैठे तांग भी रो पड़े साथ ही उसे काउ वेनक्सिन के लिए भी खुशी महसूस हुई क्योंकि काउं वेनक्सिन ने उसके प्यार से शादी की थी माता पिता के रूप में वे बस यही चाहते थे कि उनका बच्चा एक खुशहाल जीवन जिए दूल्हा और दुल्हन निर्दिष्ट स्थान पर चले गए और सुर्खियों में मिले दूल्हे ने अपने हाथों से दुल्हन को सबसे खूबसूरत फूल भेंट किए दूल्हे ने दुल्हन के पिता को आश्वासन दिया कि वह अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा इससे पहले कि दुल्हन के पिता ने दुल्हन को दूल्हे के हाथों में सौंप दिया कुछ वाक्य कहने के बाद दुल्हन के पिता चले गए काओ रुईहुआ को पीछे देखकर काओ वैंगसिन फूट फूट कर रोने लगी हालांकि वह शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ रह सकती थी लेकिन अब यह बिल्कुल अलग था शादी से पहले काओ परिवार उसका अपना परिवार था लेकिन अब उसे एक नया परिवार शुरू करने की जरूरत थी इसके अलावा अधिकांश बेटियों के लिए वे शादी के बाद अपने परिवार के लिए मेहमान बन गई काऊ वेनक्सिन की शादी के बाद काऊ परिवार उनके साथ मेहमान की तरह व्यवहार नहीं करता था लेकिन स्थिति अलग थी अब वह दोषी महसूस किए बिना काओ परिवार का सामान नहीं ले सकती थी उस स्थिति में भले ही वह बाद में भी अपने माता पिता के साथ रहती हो वह अपने माता पिता से उसके लिए सामान खरीदने के लिए नहीं कह सकती थी उसे बिलों का भुगतान स्वयं करना होगा नक सिंह को दुहक हुआ इसलिए नहीं कि वह अपने माता पिता से भविष्य में उसे सब कुछ देने के लिए नहीं कह सकती थी वह कृतज्ञता विहीन व्यक्ति नहीं थी उसे बस यही महसूस हुआ कि अब वह बड़ी हो गई है और उसे अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ एक नया परिवार शुरू करना होगा दोनों के मंच पर लौटने के बाद मेजबान ने भाषण दिया देवियों और सज्जनों मित्रों और परिवारजनों स्वागत है आज इस प्रेमी जोड़े की शादी है एक दूसरे के साथ खड़े रहें एक दूसरे की बाहों में रहें चाहे खुशी हो या आंसू एक दूसरे के साथ खड़े रहें जब ठंडी बारिश होने लगे और आपके दिल डर से भर जाए जब आप चबाने के लिए बहुत बूढ़े हो जाएं तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें इसलिए अपने प्यार से प्यार करो हम बस यही प्रार्थना करते हैं सभी के आशीर्वाद के साथ खुशियां हर तरह से आपके साथ रहें अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियां बदलेंगे यह सुनकर काव वेन्वेई अंगूठियों के साथ आगे बढ़े मेजबान ने फिर कुछ कहा फिर महत्वपूर्ण क्षण पर आया शिनबेई क्या आप कांव वेनक्सिन को अपनी वैध विवाहित पत्नी के रूप में लेंगे जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे क्या तुम उससे प्रेम करोगे उसका सम्मान करोगे उसे सांत्वना दोगे मेजबान से पूछा नहीं होगा शिनबेई ने जोर से और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा वह काउ वेनक्सिन के साथ अपना शेष जीवन बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सका जैसे ही उनकी बात खम हुई मंच के नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गर गूंज उठी तुम्हारा जोरदार जवाब सुना ऐसा लगता है कि दूल्हा दुल्हन से बहुत प्यार करता है मेजबान ने मजाक किया सभी मेहमानों को एक जैसी अनुभूति हुई और काऊ परिवार को बहुत आराम महसूस हुआ काउ वेनक्सिन क्या आप शिन बेई को अपना वैध विवाहित पति बनाएंगे जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे क्या तुम उससे प्रेम करोगे उसका सम्मान करोगे उसे सांत्वना दोगे मेजबान से पूछा कवि काउ वेनक्सिन ने कहा उसकी आवाज शिन बेई जितनी तेज नहीं थी लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा जैसे ही उनकी बात ख्म हुई मंच के नीचे से फिर जोर से तालियां बजने लगी इसके बाद दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई मेजबान ने कहा अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं शिन बे ने हल्के से काओ वेनक के होठों को चूमा क्योंकि इतने सारे लोगों को देखने के कारण वह उसे एक भावुक चुंबन नहीं दे सका मेजबान ने कहा और दुल्हन अब आप अपने पति को चूम सकती हैं काओ व्यन्सिन फिर आगे बढ़े और शिन शिनबेई के होठों को चूम लिया इसके बाद नवविवाहित जोड़े के माता पिता मंच पर गए क्योंकि शिनबेई के माता पिता नहीं थे उनके चाचा और चाची मंच पर गए मेजबान ने बताया कि दूल्हे के माता पिता का निधन जल्दी हो गया था इसलिए उसके चाचा और चाची अब मंच पर थे हालांकि जब शिन बेई के चाचा और चाची मंच पर गए तो कई मेहमान आश्चर्यचकित रह गए उन्हें अब तक नहीं पता था कि वे शिन बेई के रिश्तेदार हैं वरिष्ठ लोग अपनी सीटों पर बैठ गए फिर दूल्हा और दुल्हन ने उन्हें चाय परोसी समारोह के इस भाग के दौरान वरिष्ठों को नवविवाहितों को लाल लिफाफे देने थे दुल्हन के माता पिता ने दूल्हे को एक मोटा लाल लिफाफा दिया और इसके विपरीत क्योंकि यह सिर्फ समारोह का एक हिस्सा था कांव वेनक्सिन सिन और शिनबेई को वही लाल लिफाफे मिले जो वरिष्ठों ने उन्हें आज सुबह ही दिए थे वह भाख्म होने के बाद वे खड़े हुए और वरिष्ठों ने उन्हें शुभकामनाएं दी इस समय कांव रुई हुआ और तांग युनरोंग दोनों को रोने का मन हुआ इसलिए खुद को फूट फूट कर रोने से रोकने के लिए तांग युनरोंग ने ज्यादा शब्द नहीं बोले बाद में वरिष्ठजन मंच के नीचे अपनी सीटों पर वापस चले गए फिर दुल्हा और दुल्हन ने शैंपेन खोली और शादी का खाना शुरू करने के लिए केक काटा काउ वेनकसिन गर्भवती थी इसलिए वह शराब नहीं पी सकती थी और उसने अपने शैंपेन के गिलास की जगह जूस ले लिया भोज में मेहमान शराब पीने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कई लोग काव्या के साथ शराब पीने के लिए चले इसलिए काव्या को बहुत अधिक शराब पीनी पड़ी और लेंग शूटिंग ने उसकी मदद नहीं की तांग जियाकाई और तांग जियायांग थोड़े नाखुश थे वे काव्या की मदद करना चाहते थे लेकिन उसका प्रेमी यहां था इसलिए यदि वे उसके लिए शराब पीते तो लेंग शाउटिंग शर्मिंदा हो जाते हालांकि वे लेंग शाउटिंग से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था वे उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं कर सके शायद लेंग शाउटिंग को एहसास नहीं था कि यह एक समस्या है इसलिए उन्होंने उसे एक अनुस्मारक देने का फैसला किया शूटिंग तुम काव्या को ड्रिंक्स में मदद क्यों नहीं करते वह बहुत नशे में है तांग ज्यायांग ने थोड़ा नाखुश होते हुए कहा लेंग शाउटिंग समझ गए कि वे नाखुश थे क्योंकि उन्होंने काव्या को पेय में मदद नहीं की लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी आखिर उन्हें काव्या की परवाह थी इसलिए उन्होंने तुरंत समझा दिया काव्या के चरित्र को देखते हुए चूंकि वह शराब पी सकती है इसलिए वह किसी और को अपनी मदद नहीं करने देगी यदि वह शराब नहीं पीना चाहती तो वह बस पी लेगी रुकना और चिंता मत करो वह नशे में नहीं होगी क्या आप भूल गए कि उसके पास एक जादुई औषधि है वह ठीक हो जाएगी यह सुनकर तांग जियाकाई और तांगजियायाम को अचानक एहसास हुआ कि काव्या अपनी जादुई दवा से अपनी रक्षा कर सकती है इसके अलावा काव्या के चरित्र को देखते हुए अगर वह शराब पीने को तैयार थी तो उसे वास्तव में मदद की जरूरत नहीं थी यदि वह अधिक नहीं पी सकती तो वह रुक जाएगी अत उन्हें थोड़ा ग्लानी महसूस हुई क्योंकि वे पहले उसके व्यवहार से असंतुष्ट थे लेंग शाउटिंग की तुलना में वे काव्या के बारे में बहुत कम जानते थे काव्या ने उनकी बातचीत सुनी इसलिए जब उसे छुट्टी मिली तो उसने उनसे कहा चिंता मत करो अगर मैं और नहीं पी सकती तो मैं खुद को पीने के लिए मजबूर नहीं करूंगी मैंने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं बाद में तुम्हें से प्रत्येक को एक जादुई गोली दे सकता हूँ मैं वादा करता हूँ कि आपको शराब के प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा बिल्कुल अभी आपने हमें आश्वस्त किया तांग जियाकाई और तांग जियांग ने कहा उन्होंने इस पर विश्वास किया वे तो पहले ही भूल गए थे आख़िरकार उन्होंने काव्या को हर समय शराब पीते हुए देखा इसलिए वे उसके बारे में चिंतित थे वैसे भी जब से काव्या बिजनेस की दुनिया में आई थी उसके लिए शराब पीना अपरिहार्य हो गया था यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह तो बस शुरुआत थी और उसे भविष्य में और अधिक सामाजिक आयोजनों को संभालना सीखना था हालांकि उन्हें काव्या की परवाह थी लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे यह उसकी पसंद थी और वह सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह शराब नहीं पीना चाहती थी आखिरकार यह गंभीर व्यवसाय था बच्चों का खेल नहीं वास्तव में जब तांग जियायांग व्यापार जगत में शामिल हो गए और तांग जियाकाई राजनीति में शामिल हो गए तो उन्हें भविष्य में अलग अलग लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा तांग जियायांग को व्यापार में रुचि थी जबकि तांग जियाकाई को राजनीति में रुचि थी दरअसल चाहे उनमें कोई रुचि हो या न हो उनकी किस्मत में व्यापारी और राजनेता बनना ही लिखा था तांग यूनहान एक दिन सेवानिवृत्त हो जाएंगे इसलिए यदि तांग जियान व्यवसाय में शामिल हो गए लेकिन तांग जियाकाई राजनीति में शामिल नहीं हुए तो ताम यूनहान के सेवानिवृत्त होने के बाद तांग परिवार अपना प्रभाव खो देगा सत्ता हमेशा पैसे से अधिक प्रभावशाली रही है इसलिए ताम परिवार को राजनीति में उच्च पद पर रहने वाले एक सदस्य की आवश्यकता थी भले ही सदस्य तांग युनहान जैसे महत्वपूर्ण पद तक नहीं पहुंच सका लेकिन ताम परिवार की स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे निदेशक या प्रमुख बनना पड़ा तांग परिवार की स्थिति राजनीति में तांग युनांग की स्थिति और व्यापार में तांग यूनफान के प्रभाव पर निर्भर करती थी शुरुआत में उन्होंने तांग जियायांग को राजनीति में शामिल करने की योजना बनाई और तांग जियाकाई व्यवसाय में शामिल हो सकते थे क्योंकि तांग जियायांग तब से अधिक स्थिर थे जब वे छोटे थे हालांकि तांग जियायांग की राजनीति में बहुत कम रुचि थी इसके बजाय उसे व्यवसाय में बहुत रुचि थी और तांग जियाकाई इसके लिए तैयार नहीं था व्यवसाय करते थे और राजनीति में अधिक रुचि रखते थे फिर भी तांग परिवार ने केवल रुचि के कारण उन्हें चुनाव नहीं करने दिया उन्हें एक परीक्षा पास करनी थी रुचि उनकी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी रुचि ही उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है परीक्षण के बाद यह साबित हुआ कि तांग जियान वास्तव में व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त था और तांग जियाकाई को राजनीति में शामिल होना चाहिए इसलिए यह अंतिम परिणाम था इसलिए अब जब भी राजनीति में कुछ भी होता तांग युनहान तांग जियाकाई को बताते और उन्हें विश्लेषण करने देते क्योंकि उनके पिता एक गवर्नर थे तांग जियाकाई बहुत चतुर थे लेकिन वह अभी तक पर्याप्त परिपक्व नहीं थे वैसे भी वह प्रतिभाशाली थे इसलिए जब तक उन्होंने राजनीति के बारे में अधिक सीखा वह अपने परिवार की मदद से एक महत्वपूर्ण पद तक पहुंच सके उसके लिए अपने दम पर ऐसा करना असंभव था क्योंकि कनेक्शन के बिना वह शायद अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता मास्टर टैंग एक व्यवसायी हुआ करते थे लेकिन राजनीति में उनके करीबी पुराने दोस्त थे इसलिए टैंग युनहांग ने भी अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने पिता के संबंधों पर भरोसा किया अन्यथा चाहे तांग युन्हांग कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो उसे उसकी वर्तमान स्थिति में पदोन्नत नहीं किया जाता यदि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी किया तो भी वह केवल उस स्थिति तक ही पहुंच पाता जो उसकी वर्तमान स्थिति से कम महत्वपूर्ण थी इसके अलावा उसे अभी भी तांग परिवार की मदद की जरूरत थी काव्या ने कितनी शराब पी थी दरअसल वह ज्यादा नहीं पीती थी और जब पीती थी तो केवल घूंट पीती थी साथ ही वे मेहमानों के साथ शराब भी पी रहे थे आखिरकार यह गांव वेनक्सिन की शादी थी इसलिए यदि वे अधिक शराब पीते तो ठीक था रात आठ बजे के बाद मेहमान एक एक कर चले गए कुछ व्यवसायी जो अन्य व्यवसायियों के साथ संबंध बनाने में सफल हो गए वे दूसरी जगह के लिए स्थगित हो गए जबकि कुछ युवा जिन्होंने अपने लक्ष्य के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की वे भी साथ साथ घूमते रहे हालांकि काव्या और उसकी सहेलियां भोज समाप्त होने के बाद दूल्हा और दुल्हन के साथ उनके विवाह कक्ष तक गई इसके बाद उन्होंने कमरे में कुछ देर मस्ती की क्योंकि कांव व्यक्सिन गर्भवती थी कोई भी उसे धोखा नहीं देगा लेकिन दूल्हा इतना भाग्यशाली नहीं था वे घनिष्ठ मित्र थे इसलिए वे जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं आखिरकार वे अच्छे संस्कार वाले थे इसलिए वे अपने शिष्टाचार को नहीं भूलेंगे सबसे पहले उन्होंने शिनबेई को दो सौ करने का आदेश दिया शिनबेई के लिए यह आसान नहीं हो सकता क्योंकि यह वही है जो वे आमतौर पर प्रशिक्षण में करते हैं इसलिए यह स्वीकार्य था और शिनबेई के लिए काउ वेनक्सिन के सामने अपनी ताकत दिखाने का यह एक शानदार मौका भी था फिर जब शिनबेई ने दो सौ पुषअप्स पूरे कर लिए तो उन्होंने उसकी पीठ पर एक गिलास पानी रखा और उसे और सौ पुशअप्स करने के लिए कहा यह मुश्किल भी नहीं था और शिनबेई ने पूरी तरह से समापन किया सच कहूं तो उसने वास्तव में ऐसा करके काउ व्यन्क्सिन की प्रशंसा जीत ली कांव व्यक्सिन को भी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था लेकिन वह वह नहीं कर सकी जो शिन शिनबेई ने किया उनके लिए सौ पुशअप्स भी पूरा करना आसान नहीं था काऊ वेनक्सिन की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखकर शिन बे खुशी से भर गई वह काऊ वेनक्सिन के सामने अपने और अधिक कौशल दिखाना चाहता था इसलिए उसने अपनी इच्छा से पूछा और क्या उसके बाद उन्होंने शिन बे को अपने और अधिक कौशल दिखाने का आदेश दिया जिससे कांव वेनक्सिन अब पहले से कहीं अधिक शिन बे की प्रशंसा करने लगे नवविवाहित जोड़े को कुछ निजी समय बिताने देने से पहले उन्होंने कुछ देर तक मौजमस्ती की शिन बे और शिन बे के लिए यह एक लंबा दिन था इसलिए उन्हें भी आराम की जरूरत थी लेकिन क्योंकि यह एक नया घर था और अभी तक पूरी तरह से प्रसारित नहीं हुआ था वे हुआफू हिल्स वापस चले गए हालांकि शिन बे ने बहुत शराब पी रखी थी इसलिए उन्होंने उसे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी इसलिए काव्या और लेंग शूटिंग ने उन्हें घर भेज दिया जहां तक बाकी लोगों की बात है तो वे या तो घर वापस चले गए या फिर होटल में रहने चले गए काव्या आज रात घर नहीं गई लेकिन गांव ई और या हुआफू हिल्स में रह रहे थे इसलिए वह और लेंग शाउटिंग शिन बेई और काओ वेनक्सिन को घर ले जाने के बाद होटल में रहने चले गए हुआफू हिल्स से बाहर निकलने के बाद काव्या ने कहा मुझे थोड़ी भूख लगी है हम रात को कुछ नाश्ता क्यों नहीं कर लेते जरूर आप क्या खाना चाहेंगे लेंग शूटिंग ने पूछा उसे भूख नहीं थी लेकिन वह काव्या के साथ खाना खाने जाकर खुश था भुना हुआ मांस कैसा रहेगा काव्या ने कहा वह वास्तव में भुनी हुई मछली खाना चाहती थी लेकिन लेंग शाउटिंग को मछली पसंद नहीं थी इसलिए उसने समुद्री भोजन छोड़ दिया कोई बात नहीं आप कहाँ खाना खाना चाहते हैं लेंग शूटिंग ने पूछा यहां से कुछ ही दूरी पर एक रात्रि नाश्ते की सड़क है चलो वहां जाए काव्या ने कहा वह सिर्फ रात का नाश्ता करना चाहती थी वह जगह के बारे में चुनाव नहीं कर रही थी महान लेंग शाउटिंग ने सिर हिलाया फिर एक टैक्सी रोकी लगभग आठ मिनट बाद वे रात्रि स्नैक स्ट्रीट पर पहुंचे दोपहर के बारह बज चुके थे लेकिन नाइट स्नैक स्ट्रीट अभी भी गतिविधि से भरी थी आख़िरकार रात के नाश्ते के लिए आधी रात सबसे अच्छा समय था रात के नाश्ते वाली सड़क पर हमेशा भीड़ और शोर रहता था वहां का खाना भी साफ़ सुथरा और स्वास्थ्यवर्धक नहीं लगता था इसलिए आमतौर पर अमीर उत्तराधिकारी यहां नहीं आते थे लेकिन लेंग शाउटिंग एक अपवाद था उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें झेली थी जिन्हें आम लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे और वह पहले भी कई बार गंदी, गंदी और खतरनाक जगहों पर रह चुका था उन्होंने अशुद्ध खाना भी खाया था अपने प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों के लिए कोई स्वच्छ स्वादिष्ट भोजन नहीं था और उन्हें केवल जंगल में मिलने वाला भोजन ही खाना था कभी कभी उनके पास भोजन साफ करने के लिए पानी भी नहीं होता था लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें फिर भी खाना पड़ता था यदि वे भूखे मर रहे होते तो वे जीवित नहीं बच पाते इसके अलावा हालांकि रात के नाश्ते की दुकानें फैसी रेस्तरा जितनी साफ सुथरी नहीं लगती थी लेकिन खाना जरूरी गंदा नहीं था आखिरकार वे देख सकते थे कि खाना कैसे बना है यहाँ तक कि एक फैसी रेस्तरा में भी खाद्य स्वच्छता की समस्या हो सकती है और वह सड़क के स्टैंड की तुलना में साफ सुथरा नहीं हो सकता है अपने पिछले अवतार में काव्या ने एक फैसी रेस्तरा में सड़ा हुआ मांस खाया था यदि भोजन करने वाले पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो वे केवल घर पर ही खा सकते हैं यदि वे बाहर भोजन करते तो उन्हें कभी भी उतना स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं मिल पाता जितना वे घर पर बनाते हैं इसलिए जब वे बाहर भोजन करते थे तो इसके बारे में बहुत अधिक परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि काव्या और लेंग शाउटिंग एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी थी जब वे रात की स्नैक स्ट्रीट में चले तो उन्होंने तुरंत बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया वे पहले से ही इसके अभ्यस्त थे इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी लेकिन जब वे एक छोटे से रेस्तरा से गुजर रहे थे तो उन्होंने छह लोगों की एक मेज़ देखी परिणामस्वरूप उन्होंने चलना बंद कर दिया और सीधे छोटे रेस्तरां में बैठ गए काव्या वास्तव में छोटे रेस्तरां में भोजन करना चाहती थी लेकिन वहां सीटें उपलब्ध नहीं थी इसलिए उन्हें कहीं और खाना खाना पड़ा काव्या और लेंग शूटिंग वहीं रुक गए क्योंकि उन्होंने निर्दयी लोगों के समूह को देखा काव्या और लेंग शाउटिंग परेशानी नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्हें लगा कि लोगों का समूह बुरे लोग थे यदि वे कुछ बुरा करना चाहते थे तो वे उन्हें अवसर देते थे ताकि वे उन्हें दंड दे सकें यदि आज पुरुषों के समूह ने उन पर हमला नहीं किया होता तो अन्य लोग भी शिकार बन सकते थे इसलिए चूंकि आज वे उनसे टकरा गए इसलिए उन्हें सबक सिखाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी वैसे भी अब वे आज़ाद थे इसके अलावा लेंग शाउटिंग एक सैनिक था इसलिए जब उसका सामना बुरे लोगों से हुआ तो वह इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सका इसके अलावा वे लोग स्पष्ट रूप से लड़ने में अच्छे थे हालांकि वे उतने ताक़तवर नहीं थे फिर भी वे आम लोगों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे पुरुषों के समूह ने एक शांत चर्चा की जब उन्होंने देखा कि काव्या और लेंग शाउटिंग उनके सामने बैठे थे उनके बारे में क्या ख्याल है वे महंगे कपड़े पहन रहे हैं उन्हें अमीर होना चाहिए हम उन्हें क्यों नहीं चुनते यह कोई बुरा विचार नहीं है बहुत बढ़िया हम पहले उन्हें निशाना बनाएंगे उनकी आवाज़ें इतनी धीमी थी कि अगली टेबल के आसपास के लोग भी उन्हें नहीं सुन सके लेकिन काव्या और लेंग शाउटिंग ने सुना अब उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पैसा चाहिए काव्या और लेंग शाउटिंग के बैठने के बाद उन्होंने कुछ भुना हुआ मांस ऑर्डर किया कभी काव्या ने झींगा देखा तो उसने अपने लिए एक सर्विंग का ऑर्डर दिया लेंग शाउटिंग को समुद्री भोजन पसंद नहीं था इसलिए वह भुना हुआ मांस खा सकते थे कुछ बियर चाहिए काव्या ने पूछा वे नशे में नहीं होंगे क्योंकि वे केवल मनोरंजन के लिए पीते थे लेकिन हर मेज़ पर शराब पी रही थी इसलिए यदि वे नहीं पीते तो यह अजीब होगा क्यों नहीं लेंग शाउटिंग को इसकी परवाह नहीं थी आखिरकार वे अपनी जादुई शक्ति से शराब के प्रभाव से आसानी से छुटकारा पा सकते थे आपको कितने चाहिए लेंग शूटिंग ने पूछा काव्या ने कहा हम में से प्रत्येक के पास दो बोतलें हो सकती हैं उसके बाद लेंग शाउटिंग ने बियर की चार बोतलें ऑर्डर की मांस भूनने में थोड़ा समय लगा जहां तक झींगा की बात है क्योंकि वे उबले हुए थे उन्हें जल्द ही मेज पर रख दिया गया इससे पहले कि काव्या कुछ करती लेंग शाउटिंग ने एक झींगा छीलकर उसके कटोरे में डाल दिया काव्या ने उसे मुस्कुरा दिया फिर उसे काम करने दिया उसने उनमें से प्रत्येक को एक गिलास बियर पिलाई और लेंग शाउटिंग के साथ मिलकर पी कुछ गिलास पीने के बाद भुना हुआ मांस तैयार हो गया जब काव्या और लेंग शाउटिंग मांस का आनंद ले रहे थे पुरुषों का समूह बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था आम लोग शायद इस पर ध्यान न दें लेकिन काव्या और लेंग शाउटिंग ने इसे तुरंत भांप लिया वे धीरे धीरे नहीं खाते थे इसलिए उन्होंने जल्द ही खाना खत्म कर दिया बाद में उन्होंने बिल का भुगतान किया और चले गए यह देखकर पुरुषों का समूह उनके पीछे हो लिया काव्या और लेंग शाउटिंग को निशाना बनाने के बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था हालांकि क्योंकि लेंग शाउटिंग और काव्या ने अभी खाना खम नहीं किया था उन्होंने और अधिक खाने का नाटक किया वे अधिक नहीं पीते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इसका असर उनके कार्यों पर पड़ सकता है सड़क लोगों से भरी हुई थी इसलिए यह अजीब नहीं था कि वे लेंग शाउटिंग और काव्या के पीछे भागे लेकिन लेंग शाउटिंग और काव्या को पहले से ही पता था कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे हालांकि क्योंकि उनका इरादा उन्हें मौका देने का था इसलिए जब वे निकले तो उन्होंने टैक्सी नहीं ली इसके बजाय वे हाथ में हाथ डाले घूमते रहे रात के करीब एक बज रहे थे इसलिए मुख्य सड़क पर ज्यादा लोग नहीं चल रहे थे यह पुरुषों के समूह के लिए सबसे अच्छा मौका था क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे पहले ही बेनकाब हो चुके हैं जब आसपास कोई नहीं था तो वे अचानक तेज हो गए और काव्या और लेंग शूटिंग को घेरने के लिए दौड़ पड़े लेंग शूटिंग ने अवचेतन रूप से काव्या को अपने पीछे सुरक्षित रखा हालांकि वह जानता था कि काव्या आसानी से गुंडों को हरा सकती है फिर भी वह उसकी रक्षा करना चाहता था आप क्या चाहते हैं लेंग बिना शांति से पूछा हमें अपना सारा पैसा दे दो नहीं तो हम तुम्हें बुरी तरह मार देंगे और अपनी लड़की को एक रात के लिए हमारे पास छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे उन्होंने काव्या पर व्यंग्य किया वह इतनी सुंदर थी कि वे उसे जाने नहीं दे सकते थे काव्या और लेंग शाउटिंग इतने पागल नहीं होते अगर उन्होंने उन्हें लूट लिया होता लेकिन काव्या पागल थी क्योंकि उनका इरादा उसके साथ बलात्कार करने का भी था लेंग शाउटिंग ने अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और सीधे उन पर हमला कर दिया वे आश्चर्यचकित थे कि लेंग शाउटिंग अचानक उन पर और इतनी तेज़ गति से हमला करेगा इसलिए इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते उन्हें जमीन पर पीटा गया हालांकि उनमें से कुछ पीछे अपने होश में आ गए लेकिन लेंग शाउटिंग के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था एक ही चाल से लेंग शाउटिंग ने तेजी से उन्हें भी हरा दिया इस हद तक कि वे मुश्किल से अपने पैरों पर वापस खड़े हो सके पुरुषों का समूह पूरी तरह से चौंक गया उन्हें आश्चर्य हुआ लेंग शाउटिंग इतना मजबूत था स्पष्टता उन्होंने आज भयंकर गलती की है कृपया कृपया रुके क्योंकि लेंग शाउटिंग बहुत मजबूत था उन्होंने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उससे माफी की भीख मांगी कृपया कृपया हमें जाने दें यदि वे उससे दया की भीख नहीं मांगते तो उन्हें केवल कष्ट ही होता तुम्हें जाना है क्या तुम हमें लूटना नहीं चाहते थे लेंग शाउटिंग ने ठंडे स्वर में कहा हम क्षमा चाहते हैं यह एक मूर्खतापूर्ण गलती थी हम वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा कृपया इस बार हमें जाने दे कृपया कृपया हमें जाने दे लेंग शाउटिंग ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनमें से एक के पास चला गया वह आदमी वही था जिसने लेंग शाउटिंग से काव्या को एक रात के लिए उनके पास छोड़ने के लिए कहा था उसने दूसरों को चोट पहुंचाने की परवाह नहीं की क्योंकि वे पहले से ही घायल थे और उन्हें कम से कम एक सप्ताह तक बिस्तर पर रहना होगा हालांकि उसने उस आदमी को जाने नहीं दिया जिसने उससे काव्या को एक रात के लिए उनके पास छोड़ने के लिए कहा था उस व्यक्ति को यह भी एहसास हुआ कि उसके शब्दों ने लेंग शाउटिंग को नाराज कर दिया है इसलिए वह सिकुड़ गया और फिर से भीख मांगने लगा पी प्लीज नहीं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता लेंग शाउटिंग ने उसकी कमर पर लात मारी और वह दर्द से चिल्लाने लगा वह विकलांग नहीं था लेकिन दर्द शायद एक महीने तक रहेगा क्योंकि यह आदमी के शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा था उस आदमी ने कसकर अपनी कमर को ढक लिया और दर्द से सिकुड़ गया इसकी गवाही देते हुए अन्य पुरुषों ने भी अवचेतन रूप से अपने क्रॉच को ढक लिया यदि उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता रात में उसकी चीख असामान्य रूप से तेज थी जिससे पैदल चलने वाले डर गए जिससे कई राहगीर मुड़ गए और देखा कि कुछ लोग ज़मीन पर पड़े हुए थे और दो लोग उनके ऊपर खड़े थे